यदि हम आपको एक दिन के लिए गवर्नमेंट की सारी पावर दे दें, बस एक काम को पूरा करने के लिए। काम यह है, आपको कई सारे खतरनाक कैदियों को जिन्होंने चोरी, डकैती, बलात्कार, किडनैपिंग, जेल से भागना तथा कई सारे अपराध किए हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाता है, उन्हें एक जेल से दूसरे जेल तक पहुँचाना है। इसके लिए यदि आपको एक प्लेन दिया जाए तो सिक्योरिटी के लिए आप किस तरह के बंदोबस्त करेंगे? लगभग सभी का यही आंसर होगा, आप हर एक अपराधी को जंजीरों से बांधने के साथ उनके पीछे कई सारे गार्ड को हथियार के साथ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पुलिस अलग ही नशे में थी, कई सारे गार्ड तो दूर की बात, उन्हें एक भी हथियार नहीं दिया गया। कहानी की शुरुआत कैमरॉन नामक बंदे से हुई, जो एक आर्मी ऑफिसर है। छुट्टी मिलने पर वह सीधा अपने वाइफ से मिलने के लिए गया, जो एक बार में काम करती है, जहां उसे पता चला वो फादर बनने वाला है। तभी कैमरॉन देखता है कि बार में मौजूद कुछ लोग कैमरॉन तथा उसकी वाइफ से बदतमीजी से बात कर रहे थे। जैसा कि कैमरॉन एक आर्मी ऑफिसर है, बड़ी आसानी से उन गुंडों को मजा चखा सकता था, लेकिन उसकी वाइफ मना कर दी। इसके बावजूद ये गुंडे अपनी हरकत से बाज नहीं गए। जब ये लोग घर जाने के लिए कार में बैठने वाले थे, तो ये हथियारों के साथ वहाँ पर भी पहुंचकर बदतमीजी करने लगे। इनकी ये हरकत देखकर कैमरॉन उन लोगों के पास गया, इतने में ये लोग उस पर हमला कर दिए। इसी लड़ाई के बीच कैमरॉन उन्हीं के हथियार से उसके एक आदमी को जान से मार दिया। जब ये मर्डर का केस कोर्ट तक पहुंचा, तो कैमरॉन को इस अपराध के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल में जाने के कुछ महीने बाद उसे पता चला वह फादर बन चुका है। अब जेल में ही रहकर कैमरॉन अपने वाइफ के लिए लेटर लिखा करता था, उससे बातें करता है। ये अपनी बेटी का नाम रखने के बारे में भी सोच रहे थे। कुछ सालों बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो गई, तो अब उसकी बेटी भी अपने पापा के लिए लेटर लिखकर भेजा करती है। दोनों अपनी अपनी तरफ से लेटर लिखकर भेजा करते थे। कैमरॉन भले ही अपनी बेटी को अभी तक नहीं देखा था, लेकिन लेटर को पढ़कर उसे ऐसा लगता था जैसे अपनी बेटी के पास हो। वह जेल में बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग रहता है, शांत, बिल्कुल डिसिप्लिन में। वह यहाँ के इंचार्ज से काफी अच्छी तरह से बिहेव करता है। जैसा कि कैमरॉन आर्मी ऑफिसर था, इसलिए वह हमेशा एक्सरसाइज करता रहता था, बुक को पढ़ता रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ अब पूरे 10 साल बीत चुके थे। एक बार फिर उसे अपनी बेटी का लेटर मिला, जिसमें लिखा था 14 जुलाई को उसकी बेटी का बर्थडे है, और 14 जुलाई को ही कैमरॉन की रिहाई भी थी। अब कैमरॉन जेल से निकलकर सीधा अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करेगा, पर उसे नहीं पता था आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं है। ये अपनी बेटी के लिए पहले से ही कई सारे खिलौनों को इकट्ठा कर चुका था, जिसे एक बॉक्स में पैक किया है। इधर कैमरॉन को जेल से बाहर आने की काफी खुशी थी, तो दूसरी तरफ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था विंस। ये लोग एक नए डिजाइन किए हुए प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, जिस प्लेन की मदद से कुछ खतरनाक कैदियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले हैं। इस प्लेन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया गया था, अंदर से देखने पर बिल्कुल एक जेल की तरह है, जहां उन खूंखार कैदियों को आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता था। लेकिन ये प्लेन के लिए नियम बनाए थे, प्लेन में मौजूद किसी भी गार्ड के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं होगा। इसकी जगह पर उन्हें एक इलेक्ट्रिक रॉड दिया जाएगा, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कैदियों के ऊपर इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल में लिया जा सकता था। इस बीच उनमें से 3 खतरनाक तथा खूंखार कैदियों के बारे में बताया गया। जितने भी कैदी को ले जाने वाले थे, सभी खतरनाक हैं, मगर 3 कुछ ज्यादा ही खूंखार थे। उनमें से कुछ ऐसे भी कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, उन्हें US के कैलिफोर्निया शहर में उतारा जाएगा। पर इससे पहले उनमें से 3 खतरनाक कैदियों के बारे में बताया गया, जिनमें से पहले का नाम था विलियम बेडफर्ड। उसने अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ हम बिस्तर पाया, उसे वहीं छोड़ अपने बीवी के परिवार वालों के घर गया और उसके माँ बाप, भाई बहन तथा उसके कुत्ते को भी मार डाला। दूसरा काला वाला, जिसका नाम था नेथन जोन्स उर्फ डायमंड डॉग, उसने राइफल नेशनल एसोसिएशन की मीटिंग को बम से उड़ा दिया था। तीसरा था इन सबका बाप साइरस उर्फ साइरस द वायरस, इसने सब कुछ किया, अपहरण, डकैती, हत्या, फिरौती। इसकी उम्र है 49 वर्ष, 49 ईयर्स ओल्ड। ये अपने जीवन का 25 साल जेल में ही बिताया है, जिसके ऊपर 11 हत्याएं, 2 दगा तथा 2 बार जेल से भागा। ये दावा करता है कैंसर से ज्यादा ये लोगों को मारेगा। इन तीनों के अलावा 2 और लोग थे, एक तो खुद कैमरॉन है तथा दूसरा कैदी है जो कैमरॉन का दोस्त बन चुका है। इन लोगों के पास कोई सामान तो नहीं था, लेकिन कैमरॉन के पास एक बॉक्स है जिसमें उसकी बेटी के कई सारे खिलौने थे। उसी में एक लेटर भी है जिसमें लिखा है आज उसकी रिहाई है। अब सभी कैदियों को प्लेन में ले जाया गया, जहां इन लोगों के अलावा और भी कई लोग थे जो इनसे थोड़ा कम गुनाह किए हैं। इन्हीं के साथ कई सारे गार्ड भी हैं, जिनमें एक लेडीज गार्ड भी है।
जैसा कि विंस के नियम के अनुसार कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार प्लेन में नहीं ले जा सकता, लेकिन विंस का साथी जिसका नाम था डेकेट, इसे विंस के प्लान पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए अपने एक ऑफिसर को अपराधी का ड्रेस पहनाकर गन के साथ उसे प्लेन में भेजने को तैयार कर दिया। इस गार्ड को इमरजेंसी के लिए खुफिया तरीके से गन दिया गया, जिसके बारे में डेकेट के अलावा कोई नहीं जानता है। कुछ देर बाद सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन सही सलामत टेक ऑफ किया, जिनमें दो पायलट, कई सारे गार्ड, उनके बीच कई सारे अपराधी जिनमें से तीन काफी खूंखार हैं। उन्हीं अपराधियों के बीच एक गार्ड भी है जो अपराधी का ड्रेस पहनकर बैठा है, जिनके साथ कैमरॉन भी है, पर उन्हें ये नहीं पता था। कुछ समय बाद ये तीन खूंखार अपराधी ऐसी चाल चलेंगे जिसका इन्हें अंदाजा तक नहीं है। अचानक से तीनों अपराधी अपने हाथ में से एक छोटा सा पिन निकाले, जिसकी हेल्प से सबसे पहले अपने हाथ में बंधे हथकड़ी को खोले। इन तीनों के साथ चौथा अपराधी अपने मुंह से एक पतले से धागे को बाहर खींचा, जिसमें एक छोटी सी कैप्सूल बंधी थी। इसमें पेट्रोल के साथ माचिस भी थी। उन दोनों की मदद से अपने बगल में बैठे अपराधी के ऊपर आग लगा दिया। गार्ड तुरंत बगल में बैठे अपराधी के हाथ से हथकड़ी को खोल दिए, ये सोचकर कहीं यह जल न जाए, पर इनका यही तो प्लान था। वह जैसे ही आजाद हुआ, भागकर उन तीन अपराधियों को जंजीरों से आजाद कर दिया। अब ये दो लोग मिलकर दो और कैदियों को आजाद किए, आखिर में सब पर हमला करके प्लेन पर कब्जा कर लिए। उन तीनों में से साइरस उर्फ वायरस, वो उन सबका लीडर बना। जब सभी गार्ड उनके कब्जे में हो चुके थे, तो ये सब होता देख एक पायलट गन के साथ बाहर आने लगा। वह कुछ कर पाता, साइरस उसी के गन से पायलट को जान से मार दिया। दूसरे पायलट को कंट्रोल रूम में ये कहने पर मजबूर किया कि कहो सब कुछ नॉर्मल है। वह ऐसा ही किया कि थोड़ी सी गड़बड़ी थी, अब सब कुछ सही है। यह सब होता देख उन्हीं के बीच में अपराधियों का भेष बदलकर बैठा गार्ड एक अपराधी को गन पॉइंट पर ले लिया, कहने लगा अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मैं इसे मार दूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइरस के पास में जो पायलट का गन था, उसी से उस गार्ड को शूट कर दिया। अब सभी गार्ड को अपराधियों की जगह जेल में बंद कर दिया गया। ये सब होने के बाद भी कैमरॉन समझदारी दिखाया, बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि उसे पता है यदि मैं इन गधों की तरह ज्यादा होशियारी दिखाऊंगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह उन्हीं के बीच रहकर सही वक्त आने का इंतजार करने लगा। इसी के साथ उन लोगों को अपना नकली नाम भी बताया। ये भी पता चलने नहीं दिया कि आज उसकी रिहाई है, बल्कि ये कहा उसकी 15 साल की सजा बाकी है। अपराधियों का आगे का प्लान है, ये प्लेन को पहले कैलिफोर्निया में लैंड करेंगे, क्योंकि कुछ अपराधियों को कैलिफोर्निया में उतारा जाने वाला था। अगर ये कैलिफोर्निया में लैंड नहीं किए तो पुलिस को भनक पड़ जाएगी। ये सही सलामत कैलिफोर्निया में लैंड किए हैं। जिन अपराधियों को उतारा जाने वाला था, उनके मुंह पर टेप लगाकर सबको एक एक करके उतारा जाने लगा। इसी के साथ कुछ अपराधियों को प्लेन में भी लिया जा रहा था। अब कुछ और अपराधी प्लेन में आ चुके थे, इन्हें शक न हो इसलिए क्रिमिनल गार्ड का ड्रेस पहनकर खुद बाहर चेहरा ढककर पहरेदारी के लिए खड़े हो गए। पुलिस वालों को जरा भी भनक नहीं हुई। कैमरॉन के पास एक अच्छा मौका था यहाँ से निकलने का, लेकिन वह नहीं निकला, बल्कि अपनी जगह एक गार्ड को जो मर चुका था उसका ड्रेस चेंज करके उसे नीचे उतार दिया, जिसके पास एक प्री रिकॉर्डर भी था। जब वह रिकॉर्डर जमीन पर गिरा, पुलिस वाले समझ गए ये क्रिमिनल नहीं बल्कि एक ऑफिसर है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। कैमरॉन वहाँ इसलिए नहीं उतरा क्योंकि उसका एक साथी तथा लेडीज गार्ड प्लेन में ही है। इस बीच हमें पता चला कैमरॉन के दोस्त को डायबिटीज की बीमारी है, जिसे कुछ घंटे बाद इंजेक्शन लेना पड़ेगा, पर इस हाथापाई में उसके सारे मेडिसिन खराब हो चुके हैं, लेकिन उसमें से एक मेडिसिन को वह बचा लिया है, पर उसे लेने के लिए उसे इंजेक्शन चाहिए थे। दो घंटे बाद उसे इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो उसकी मौत पक्की थी। जैसा कि अपराधियों को प्लेन में उतारने के साथ कुछ और अपराधियों को अंदर लिया गया था, जिनमें से एक का नाम है स्वैम्प, जिसे प्लेन के हर एक चीज के बारे में पता है। वह इतना होशियार था, जब प्लेन टेक ऑफ किया था तभी अपने एक आदमी को प्लेन के जीपीएस को निकालकर दूसरे प्लेन में लगवा दिया था, लेकिन जो आदमी जीपीएस को दूसरे प्लेन में लगाने के लिए गया था, वह दुर्भाग्यवश प्लेन में नहीं बैठ पाया, उससे पहले ही प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। अब स्वयं ही पायलट को हटाकर खुद प्लेन चला रहा है। अब सारी बातें विंस को भी पता चल चुकी थी, प्लेन हाईजेक हो चुका है। ये लोग क्रिमिनल से रेडियो पर बात किए, जिनकी बातें कैमरॉन भी सुना। इधर यह खबर कैमरॉन की वाइफ को भी मिली, उसे पता चला उसका पति जिस प्लेन में है वो हाईजेक हो चुका है। विंस जब उसकी वाइफ से बातें किया तो उसे पता चला उसका पति एक अच्छा इंसान है। यह सुनकर उसे लगा कि शायद अच्छा हो सकता है। यह बात जाकर अपनी टीम को बताया, लेकिन उसके साथ ही उसका साथ नहीं दिए। पर उसके टीम का एक मेंबर डेकेट, जिसने ऑफिसर्स को कैदियों का सूट पहनाकर गन के साथ प्लेन में भेजा था, वह विंस की बात जरा भी नहीं सुना। वह जो करना चाहता है खुद करना चाहता है। वह हमेशा हड़बड़ी में रहता है, हर काम जल्दबाजी में करता है। तुरंत प्लेन का पीछा करने के लिए निकल पड़ा,
इधर ड्रेकेट प्लेन का पीछा करने के लिए निकल चुका था तो दूसरी तरफ प्लेन का सामने वाला पहिया खुल नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्या था यह देखने के लिए कैमरॉन को नीचे भेजने के लिए कहा गया। कैमरॉन जब उसके एक आदमी के साथ नीचे गया तो पहिए के नीचे एक बंदे की लाश मिली। जो प्लेन का जीपीएस दूसरे प्लेन में लगाने के लिए गया था यह वही बंदा है। और लौटते वक्त जब वह प्लेन में बैठ नहीं पाया था तो पहिए के रास्ते आने की कोशिश किया, मगर उसी में फंस कर वह मारा गया। अब इन्हें उस आदमी को नीचे फेंकना था ताकि पहिए का बिल सही सलामत खुल सके। कैमरॉन के पास एक अच्छा मौका था। उसके जेब से पेन निकालकर विंस के लिए हेल्प लिखकर उसकी बॉडी को नीचे फेंक दिया, क्योंकि रेडियो पर उसने विंस के बारे में सुन रखा था। बॉडी प्लेन से नीचे आकर जमीन पर सीधा एक गाड़ी के ऊपर गिरी। इधर ट्रैफिक के बीच डेड बॉडी गिर पड़ी थी तो दूसरी तरफ सन की इंसान डकैत प्लेन का लोकेशन ट्रैक करके सारे हेलीकॉप्टर के साथ पीछा करने लगा। उसका प्लान है वह प्लेन तक पहुंचकर उसे ब्लास्ट कर देगा। इधर इस नालायक को क्या पता था वह गलत प्लेन का पीछा कर रहा है। तो दूसरी तरफ विंस को उस डेड बॉडी के बारे में पता चला जो प्लेन से नीचे गिरा था, जिस पर उसके लिए मैसेज भी लिखा है। जब वह मैप से उस लोकेशन को देखा तो वह सब कुछ समझ चुका था। डेकेट गलत दिशा में प्लेन का पीछा कर रहा है। उसे यह भी पता था प्लेन किस तरफ गई होगी। यह बात जब वह डेकेट को बताया कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन वह गधा कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। इसलिए विंस एक दूसरे प्लेन को ढूंढने लगा ताकि वह सही सलामत प्लेन का पीछा कर सके। प्लेन तो नहीं मिला, इसलिए एक कार से ही उसका पीछा करने लगा। कुछ समय बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर अक्सर प्लेन लैंड किया करते हैं। वहां पहुंचकर उसे एक गार्ड की डेड बॉडी मिली, क्योंकि उन अपराधियों का प्लान बहुत पहले से ही था। वह पहले से एक आदमी को वहां भेजकर गार्ड को मरवा दिया है। अब विंस भी वहीं पर छुपकर कैदियों के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सच में वहां पर कैदियों का प्लेन लैंड किया, मगर लैंडिंग के वक्त सामने का पहिया सही से नहीं खुला था। प्लेन खिसकता हुआ काफी दूर पर जाकर रुका। यहाँ पहुंचकर सभी बहुत ही खुश हुए। ऐसा लग रहा था जैसे पंछी पिंजरे से आजाद हो गई है। इनका आगे का प्लान है एक दूसरे प्लेन की मदद से यहाँ से निकलेंगे। अब इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, पर इन्हें नहीं पता है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात पर ये कैदी बचे हुए गार्ड को मारने वाले थे, लेकिन कैमरॉन कहने लगा यदि खुदा ना खास्ता उनका प्लान फेल हो गया तो ये लोग हमारे लिए सेफ्टी का काम करेंगे। लेकिन अभी तक इन्हें कोई दूसरा प्लेन नहीं मिला था। जब तक इन्हें कोई दूसरा प्लेन नहीं मिल जाता तब तक ये उसी प्लेन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। यदि कोई दूसरा प्लेन न मिला तो कम से कम ये यहाँ से निकल तो पाएंगे। सभी मिलकर प्लेन को बाहर खींचने लगे। जैसा कि कैमरॉन के दोस्त को इंजेक्शन चाहिए था, इसलिए कैमरॉन वहाँ से निकलकर इंजेक्शन ढूंढने लगा। इंजेक्शन तो नहीं मिला, पर उसका सामना विंस से हुआ जो वहीं पर छुपा हुआ था। यहाँ कैमरॉन को पता चला विंस कैमरॉन की वाइफ से मिलकर आया है। अब इन दोनों का एक ही मकसद है, उन कैदियों को पकड़ना तथा फंसे हुए गार्ड को बचाना। कुछ समय बाद यहाँ आर्मी भी आने वाली थी, जिन्हें आने के लिए विंस पहले से ही कह दिया है। जब आर्मी आ रही थी सभी कैदियों की नज़र उन पर पड़ गई। ये आर्मी से लड़ने के लिए हथियार लेने के लिए जैसे ही प्लेन में गए तो वहाँ उनकी एक आदमी की डेड बॉडी मिली, जिसने कैमरॉन के लेटर को देख लिया था जिसमें लिखा था उसकी सजा पूरी हो चुकी है, जिसमें उसका असली नाम भी है। इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, आखिर में कैमरॉन उसे मार दिया था। ये अपराधी समझ चुके थे कैमरॉन गद्दार है, ये पुलिस की हेल्प कर रहा है, लेकिन ये लोग कैमरॉन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। इतने में आर्मी भी वहाँ पहुँच गई। दोनों के बीच काफी समय फायरिंग हुई, कई सारे सोल्जर कैदियों के हाथों मारे गए, क्योंकि ये कैदी पहले से प्लान किए हुए थे ये कब और कहाँ से हमला करेंगे। इनके लड़ाई के बीच कैमरॉन जिसे इंजेक्शन मिल गया था वो अपने साथी के पास पहुंचा, जिसे सही समय पर इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचा लिया। इधर कैमरॉन का साथी बच चुका था तो दूसरी तरफ उन कैदियों का साथी जो दूसरा प्लेन लेकर आने वाला था वह तो अकेला ही प्लेन के साथ भागने लगा। लेकिन विंस ऐसा होने नहीं दिया, एक क्रेन को ले जाकर प्लेन के सामने कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन लैंड नहीं किया बल्कि जाकर सामने टकरा गया। प्लेन के इस हादसे में वह कैदी तो बच गया था। यह देख बाकी कैदी आग बबूला हो गए। उसके गद्दारी की वजह से उसे जान से मार दिया गया। अब ये उसी टूटे हुए प्लेन की मदद से वहाँ से टेक ऑफ किए। लैंड करते ही पता चला प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है, ये ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते। पर इन्हें प्लेन के इंजन से ज्यादा इस बात का पता लगाना था आखिर हमारे हर पल की खबर पुलिस को कौन दे रहा है। कोई तो है इनके बीच जो गद्दार है। अचानक से ऐसे आर्मी वहाँ नहीं आ सकती। सच सामने लाने के लिए लेडीज गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया, कहने लगा जो भी गद्दार है सामने आओ। कैमरॉन सामने आने ही वाला था, इतने में उसका साथी सामने आ गया, कहने लगा यह सब मैं कर रहा हूँ। यह सुनते ही अपराधियों का लीडर उसे शूट कर दिया, पर वह मरा नहीं सिर्फ घायल है। यह देख कैमरॉन गुस्से में आ गया, सेल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। कैमरॉन भी बाकी कैदियों के साथ काफी समय लड़ाई किया और आखिर में पायलट तक पहुंचा
पायलट को भी कंट्रोल में लेकर प्लेन को लैंड करने को कहने लगा। अब डेकेट भी उस प्लेन का पीछा करने लगा। इनका प्लान है ये प्लेन को हवा में ही तबाह कर देंगे। लेकिन जब खबर मिली कैमरॉन उसकी मदद कर रहा है तब वह रुक गया। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसा कि प्लेन का इंजन खराब हो चुका है वह लैंड तो नहीं कर सकता था, उसे तो क्रैश ही करना पड़ेगा। पर ये शहर के ऊपर आ चुके थे, आखिर में जिसका डर था वही हुआ। प्लेन रोड पर जाकर क्रैश हुआ जो फिसलता हुआ आगे बढ़ने लगा, जाकर आखिर में एक बिल्डिंग के पास रुका। किस्मत अच्छी थी कि सभी बच गए। कैमरॉन जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि वे तीन खूंखार कैदी पीछे के रास्ते से भाग रहे हैं। जहां से एक फायर ब्रिगेड गुजर रही थी ये उसी की हेल्प से भागने लगे। अब कैमरॉन तथा विंस उन तीनों का पीछा करने लगे। उनके बीच फायर ब्रिगेड पर ही बहुत समय लड़ाई हुई। आखिर में जब फायर ब्रिगेड का एक्सीडेंट होने वाला था दोनों तुरंत नीचे कूद पड़े। इस ब्लास्ट में तीनों कैदी मारे गए पर कैमरा और विंस बच गए। इस तरह कैमरॉन अपनी बेटी से मिल पाया था। तो यह थी स्टोरी कोन एयर की। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।